दोस्तों मैंने मंगा लिया है सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन जो आपको मिलने वाला है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल से। इसके अंदर कौन सा फोन है आपने ऑलरेडी थंबनेल टाइटल में देख लिया है, पोको M6 5G मोबाइल फोन। 3 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था और मुझे आज ही डिलीवर हो गया है। आज की इस वीडियो पे इसका पूरा अनबॉक्स रिव्यू करके दिखाने वाला हूं, कैसा ये फोन है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, लेना वर्थ इट है या नहीं है, किन के लिए लेना सही है, किन के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और कितना प्राइस पड़ा, आप कैसे उस प्राइस पे ले सकते हो, सब कुछ बताने वाला हूं। मेरा नाम एनिमेश, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये रहा गाइस हमारा मोबाइल फोन का बॉक्स और इस पे आप देख सकते हो ये ओपन देखने को मिलेगा क्योंकि इस पे ना आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छी बात है कि फ्लिपकार्ट आपको कम प्राइस के फोन के अंदर भी ना ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रहा है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं बॉक्स ओवरव्यू से। तो आपको यहाँ पे पोको M6 5G का बड़ा सा ब्रांडिंग मिल जाएगा, पोको का स्टैंडर्ड बॉक्स जैसे येलो कलर का होता है। साइड्स पे आपको पोको M6 5G का ब्रांडिंग मिलेगा, यहाँ पे बॉटम पे एक आपको बारकोड मिलता है। टॉप पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4GB 64GB वेरियंट मैंने ले रखा है और प्राइस मेंशन क्या हुआ है 11,999 रुपए, बट इतना प्राइस आपको कभी नहीं पड़ने वाला है। बॉक्स के पीछे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स नजर आएंगे, लाइक इसके अंदर आपको ना मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर मिल जाता है जो एक 5G चिपसेट है। इसके अंदर आपको 6.74 इंचेस का 90Hz रिफ्रेश वाला HD प्लस डिस्प्ले मिल जाने वाला है। 50MP एंड AI कैमरा का डुअल सेटअप आपको यहां पे मिलने वाला है एंड 5000mAh का आपको इसके अंदर बैटरी मिलता है जिसके अंदर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने वाला है। तीनों सील यहां पे कट किया हुआ है क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी था। तो सबसे पहले लीड को ओपन करोगे तो ये रहा गाइस हमारा मोबाइल फोन, यहां पे काफी अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं ना तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट आपको ये फोन मिलेगा और बहुत ज्यादा ये स्लिम सेट है यार, बहुत ज्यादा स्लिम लेकिन साथ ही साथ काफी ज्यादा बड़ा, मेरे हाथ पे ये अच्छा सा बिल्कुल एक कवर कर ले रहा है। आते हैं इस पे बहुत जल्द, देन फ्लैप को हटाएंगे तो फ्लैप के बैक साइड पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है एंड इस फ्लैप को खोल के देखते हैं तो यहाँ पे आप देख लो इसके अंदर आपको ना एक यूजर मैनुअल भी देखने को मिल जाता है। एंड गाइस पोको के फोन्स का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसके अंदर ना आपको चार्जर और आपको डेटा केबल भी साथ ही साथ दिया जाता है। यूएसबी केबल इसके अंदर आपको मिल जाता है Type-A to Type-C केबल क्योंकि इस फोन पे टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसके साथ आपको एक स्टैंडर्ड 10W का चार्जर मिलता है। हालांकि फोन पे ना 18W का चार्जिंग सपोर्ट है तो इससे आपका ये बेसिक चार्ज करेगा लेकिन आप अगर फास्ट चार्ज करना चाहोगे तो आप 18W का चार्जर ले सकते हो। तो यहां पे चलो इसको सील को हटाते हैं गाइस और निकाल लेते हैं इस पाउच से हमारे फोन को। काफी ज्यादा बड़ा स्लीक एंड ब्यूटीफुल फोन ये होने वाला है। वाओ क्या लग रहा है भाई, आप देख सकते हो लुक इसका। ये मैंने परचेज किया है गैलेक्टिक ब्लैक कलर पे। इस पे टोटल आपको 3 कलर्स मिलने वाले हैं, गैलेक्टिक ब्लैक, मिस्टिक ब्लू और पोलरिस ग्रीन। 3 कलर्स में से मैंने इस ब्लैक कलर को लिया, बहुत ही ज्यादा क्लासी आपको ये कलर देखने को मिलेगा। तो बैक पैनल यहाँ पे फुल प्लास्टिक मिलता है लेकिन आपको ग्लास वाला शाइनिंग फील यहाँ पे आएगा और इस पे ना आपको ना डुअल कलर टाइप का मिलने वाला है, स्टारडस्ट डिजाइन में कह सकता हूँ, आपको यहाँ पे स्प्रिंकल किया हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से जब आप मूव करोगे ना तो इस पे ना इसका लाइटिंग डिजाइन थोड़ा चेंज होता है और एक वेव की तरह यहाँ पे क्रिएट होता है। काफी बड़े साइज का डिस्प्ले मिल जाता है 6.74 इंचेस का, इस पे आपको एक ड्रॉप नॉच सेल्फी कैमरा मिलने वाला है और आपको बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे 3 साइड्स पे, बस चिन वाले एरिया पे आपको बेजल्स थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो फोन का थिकनेस बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा स्लिम आपको फोन मिलेगा। यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिलने वाला है, राइट साइड पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम ब्रोकर्स मिलते हैं और नीचे आपको पावर बटन मिल जाएगा। और अच्छा बात यह है ना कि पावर बटन और वॉल्यूम ब्रोकर्स का प्लेसमेंट बिल्कुल ना ऑलमोस्ट सेंटर पे किया गया है तो उससे क्या है ना कि आपको फोन को रीच करने में काफी इजी होने वाला है, ज्यादा ऊपर प्लेसमेंट नहीं मिलता है। पावर बटन के अंदर आपको इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। टॉप पे आओगे तो टॉप पे आपको यहाँ पे ना 3.5mm का जैक मिल जाता है, इसके अंदर आपको कोई भी सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं मिलने वाला है। बॉटम पे आपको यहाँ पे एक माइक्रोफोन होल मिलने वाला है, देन आपको यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट मिलता है और उसके बगल में आपको यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे आओगे ना, बैक साइड पे आपको इसके अंदर आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। मेन कैमरा आपको 50MP का मिलेगा और सेकंड कैमरा आपको यहाँ पे AI कैमरा देखने को मिलता है। देन यहाँ पे आपको सिंगल LED फ्लैशलाइट मिलने वाला है, पोको का ब्रांडिंग मिलेगा और यहाँ पे आपको 5G का ब्रांडिंग मिलता है। फोन का डिजाइन ना बिल्कुल बॉक्सी टाइप का है तो आपको पकड़ने पे एक अच्छा ग्रिप भी फील होगा, आपके हाथ से ये स्लिप आउट नहीं करने वाला है। तो चलो पावर ऑन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर बैटरी है या नहीं। तो लॉन्ग प्रेस यहाँ पे मैंने कर दिया है और यहाँ पे देखो हमारा फोन चालू हो चुका है, पोको लिखा हुआ आ चुका है। तो चलो फटाफट से इसे सेटअप कर लेते हैं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कर लिया गाइस फोन को पूरा सेटअप और पूरा सेटअप करने में काफी अच्छा खासा टाइम लग गया, 10 मिनट के अराउंड यहाँ पे लगने वाला है आपको। और अगर आप डेटा कॉपी करते हो पुराने फोन से तो और टाइम लगेगा। हालांकि फोन यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। फोन को ऑन करने के बाद जो सबसे पहले चीज आप नोटिस करने वाले हो वो इसका डिस्प्ले। इसके अंदर आपको 6.74 इंचेस का HD+ डिस्प्ले
डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले साइज काफी बड़ा है एंड डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट या फिर आइकन्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील हो रहे हैं। टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज्यादा फास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पे फोन के अंदर मिल जा रहा है। सबसे अच्छा चीज क्या है कि इसके अंदर आपको MIUI 14 देखने को मिलता है और इस पर जब आप टैप करके अपडेट्स पे देखोगे ना तो इसके अंदर हाइपर OS का अपडेट आ चुका है। तो हाइपर OS का अपडेट पोको M6 5G को मिल चुका है तो परफॉर्मेंस आपको काफी स्टेबल यहाँ पे हो जाएगा। अब आते इसके फीचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे ना गाइस सबसे पहले आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे सीधे चलोगे तो सेटिंग्स पे आप जाने के बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले वाले सेक्शन पे रिफ्रेश रेट पे आपको डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप जाकर के कस्टम पे ना रिफ्रेश रेट को 60Hz या फिर 90Hz पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने 90Hz पे कर रखा है इसलिए यहाँ पे ऐप ड्रॉअर बहुत ज्यादा यहाँ पे स्मूथ फील हो रहा है। इसके ऐप ड्रॉअर को जैसे आप ओपन करोगे सेटअप करने के बाद ना तो इसके अंदर आपको 15-16 यहाँ पे ना ब्लॉटवेयर्स मिल जाते हैं। अब ब्लॉटवेयर्स इसलिए होते हैं ना गाइस क्योंकि फोन वाले जो कंपनी होते हैं वो इन कंपनीज के साथ कुछ कोलैबोरेशन होता है तब जाकर के फोन का प्राइस इनका डाउन हो पाता है। तो ये सारे एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। लाइक इसके अंदर आपको बबल शूटर, ब्लॉक पजल, इस तरीके से कैंडी क्रश, ज्वेल्स ब्लैक, ज्वेल ब्लास्ट, बहुत सारे आपको ना फालतू के एप्लीकेशन मिलेंगे बट उनको आप यहाँ पे ना अनइंस्टॉल कर सकते हो। ये इसके अंदर काफी अच्छा फीचर दिया गया है। बस यहाँ पे अनइंस्टॉल पर टैप कर दो और वो एप्लीकेशन आपका हट जाएगा। फिर आपको पूरा क्लीन पोको का UI यहाँ पे आपको फील होगा। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलता है ना गाइस यहाँ पे आप ब्राइटनेस देख सकते हो। ऑलरेडी अभी ये 80% अराउंड सेट किया हुआ है। फुल ब्राइटनेस करेंगे ना तो इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको ब्राइट फील होने वाला है। इसके डिस्प्ले के ऊपर ना कोई भी कंप्लेन नहीं है मुझे। 600 nits का आपको ब्राइटनेस मिलता है, पीक ब्राइटनेस। तो आउटडोर पे जब आप यूज करोगे फुल ब्राइटनेस पे, अब डायरेक्ट सनलाइट के नीचे भी खड़ा रहने वाले हो और आप इसको ब्राइट मोड पे या फिर आप डार्क मोड पे भी इसको यूज करोगे ना तो इसका डिस्प्ले आपको बहुत ज्यादा ब्राइट फील होने वाला है। ये एक HD+ डिस्प्ले है। फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है इसलिए इसके अंदर यूट्यूब पे ना आप मैक्सिमम 1440 पिक्सल्स के वीडियोस देख सकते हो लेकिन आपको वीडियो क्लैरिटी काफी अच्छा मिलने वाला है। चलो एक वीडियो टेस्ट और साथ साथ आपको साउंड टेस्ट भी यहाँ पे करा देता हूँ। वॉल्यूम पूरा फुल पे है। तो इसके अंदर गाइस आपको लाउडनेस उतना ज्यादा नहीं मिलता है बट डिसेंट लाउडनेस है। तो अगर आप नॉर्मल वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो या फिर कोई भी मूवी देख रहे हो तो आपको डिसेंट सा साउंड आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने 4K वीडियो प्ले किया है और मैक्सिमम यहाँ पे आप 1440 पिक्सल्स पे 60fps पे वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे प्ले करते हैं मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे और देखते हैं कैसा आउटपुट मिलता है इसके डिस्प्ले पे। यार काफी अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले फील हो रहा है, मतलब देख के नहीं लग रहा है कि फुल HD डिस्प्ले नहीं है। काफी अच्छे यहाँ पे कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, ब्राइटनेस सबका एक प्रॉपर आपको बैलेंस मिल जाता है इस फोन के अंदर। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। चलो स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। बस टैप करते हैं यहाँ पे ना ये ओपन हो जाता है। काफी ज्यादा फास्ट इसके अंदर आपको ना फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। इनफैक्ट मेरा अभी जो फोन यूज कर रहा हूँ ना वो भी इतना फास्ट वर्क नहीं करता है। अब आते हैं कैमरे के ऊपर ना। तो कैमरे पे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यहाँ पे आपको इस तरीके का कैमरा क्लैरिटी मिल जाता है। 50MP का मेन कैमरा है और इसके अंदर ना आपको डिसेंट सा फोटोज निकाल के देने वाला है। यानी कि अगर आपको कुछ फोटोज क्लिक करना है अपना फैमिली का, कुछ आपको कुछ इवेंट का, कुछ फंक्शन का, तो आराम से खींच सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट्स का फोटो लेना है आराम से हो जाएगा। ज्यादा अच्छा क्लैरिटी आप इस पे एक्सपेक्ट मत करना प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको डिसेंट कैमरा मिलता है। और फ्रंट कैमरा आपको जो मिलता है सेल्फी वाला वो आपको मिलता है 5MP का और यहाँ पे अच्छा खासा वाइड मिलता है। तो अगर आपको ग्रुप सेल्फीज लेने हैं ना तो आप आराम से इस पे ना ग्रुप सेल्फीज भी ले सकते हो। कैमरे के अंदर ना आपको वीडियो पे दो मोड्स मिलते हैं। बैक कैमरा से आप इस पे ना 1080p 30fps या फिर 720p 30fps पे शूट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको 60fps या 4K का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। सेम आपको फ्रंट कैमरा पे भी 1080p 720p पे आप 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं जो गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो इसके अंदर मैंने 4GB 64GB वाला रैम लिया है सबसे कम प्राइस पे। अब हाई एंड गेम्स की बात करें लाइक BGMI एंड फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो वो कैसा चलेगा, वो प्ले होता है या नहीं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा एक दो वीडियोस के अंदर ही। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और गाइस मैंने ये 4GB वाला ले रखा है ना, इस पे 4+1 का ऑप्शन मिलता है यानी कि आपका 1GB का रैम यहां पे एक्सटेंड होने वाला है। इंटरनल स्टोरेज से भी ये लेकर के एक्सटेंड कर सकते हैं यानी कि टोटल 5GB का रैम इस पे हो जाएगा, आप समझ सकते हो। और इस पे ना गाइस आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। पोको UI का बहुत अच्छा मुझे फीचर लगता है कि इसके अंदर आपको ऐप लॉक का फीचर मिलता है। इसके अंदर जो आपको डायलर मिलता है ना, इसके अंदर आपको सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है यानी कि कोई भी आपको अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है, डुअल एप्स का फीचर मिल जाता है, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट आपको फीचर्स मिलते हैं। तो चलो गाइस अब इसका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे सिम ट्रे को ओपन करेंगे। तो सिम ट्रे के अंदर ना सबसे अच्छी चीज
दी गई कि एक तो बजट रेंज स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन, और इसके अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी दो 5G सिम कार्ड्स यहाँ पे आप लगा सकते हो, जियो, आइडिया, एयरटेल, VI, जो भी आपको लगाना है। और उसके बगल पे आपको एक माइक्रो SD कार्ड मिलता है। तो अगर आप स्टोरेज एक्सपेंड करना चाहते हो तो इसके अंदर आप अप टू 1 TB का मेमोरी कार्ड भी इस पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक 5G सिम कार्ड लगा रहा हूँ जियो का, देखो। और चलो इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हमें चलना है क्रोम पे, यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे, fast.com ये वेबसाइट है, इस पे आपका इंटरनेट स्पीड चेक होता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि 5G का नेटवर्क मेरे रूम पे फिलहाल यहाँ पे पोको M6 5G भी कितना पकड़ता है। 400 Mbps का नेटवर्क स्पीड यहाँ पे ये दे रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पीड इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोबारा टेस्ट कर लेंगे एक बार, देखो अभी और ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नेटवर्क स्पीड। तो सेकेंड टाइम में देखो 430 Mbps का स्पीड यहाँ पे आराम से ये कैप्चर कर रहा है। तो नेटवर्क रिलेटेड आपको इस फोन के अंदर कोई भी इशू नहीं होने वाला है, काफी तगड़ा यहाँ पे इंटरनेट स्पीड इस पे ना कैप्चर हो रहा है। गाइस, पोको M6 5G स्मार्टफोन पे ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया है कि आपको 2 OS अपडेट मिलेगा और 3 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाला है। यानी कि एंड्रॉइड 14 और 15 का अपडेट आपको अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएगा, और 3 साल तक के लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाला है। तो जैसा मैंने वीडियो में शुरू में आपको दिखाया कि इसका अपडेट आ चुका है, अपडेट करने के बाद अब फोन यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है, यानी कि फुल लेटेस्ट वर्जन पे ये चल रहा है फिलहाल। और जो एंड्रॉइड 15 का अपडेट आएगा ना, वो भी आपको इस फोन के अंदर आराम से मिल जाने वाला है। तो गाइज, ये है सबसे चीपेस्ट 5G मोबाइल फोन जो आपको ऑनलाइन मिलने वाला है फिलहाल के टाइम पे, सिर्फ 7,500 रुपए का। अब ये फोन किनको लेना चाहिए, जो अभी तक 4G फोन चला रहे हैं, 5G फोन पे स्विच करना चाहते हैं, बजट नहीं है, टाइट बजट है, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। अनलिमिटेड 5G का मजा लेने के लिए आप इस फोन को ले सकते हो। बड़ा स्क्रीन साइज मिलता है, डिसेंट लाउडनेस मिलता है, 5000 mAh का बैटरी मिलता है, तो ये आपके लिए परफेक्ट एंटरटेनमेंट डिवाइस हो सकता है, या फिर एजुकेशनल डिवाइस अगर आप PW या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस करते हो, आपको लेक्चर सुनना है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी वाला बड़े स्क्रीन वाला फोन दिलाना है अपने बच्चे को या खुद के लिए लेना है, यू कैन बाय दिस फोन। आपके पेरेंट्स को फोन दिलाना है 5G मोबाइल फोन, दे कैन बाय दिस आराम से। इस पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल होने वाला है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स देख सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब पे वीडियोज, कैमरा डिसेंट मिल जाता है, तो बहुत अच्छा चॉइस बेसिक यूजर्स के लिए ये होने वाला है। इसको मैंने लिया है फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल पे सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपए का, SBI के डेबिट कार्ड को लगा करके। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है, ATM कार्ड है, तो उससे भी आप ले सकते हो 7,500 रुपए में। और अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाना है तो आप इसको ले सकते हो 7,999 रुपए का, यानी कि 8,000 रुपए आपको पड़ने वाले हैं। SBI, HDFC, फ्लिपकार्ट, एक्सिस, इन तीनों पे ऑफर मिलता है ऑनलाइन। तो आपको लेना चाहोगे तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर के ले सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ, हो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस फोन के ऊपर ना और 2 डेडिकेटेड वीडियोस आ रही हैं, इसका डेडिकेटेड कैमरा टेस्ट और डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता है बहुत जल्द, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।